खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एक बड़ी खबर यूपी के हमीरपुर से आ रही है। हमीरपुर में नशे में धुत एक दरोगा पर मासूम को कुचलने का आरोप लगा है। आरोप यह है कि एक घर के बाहर 8 साल का मासूम खेल रहा था, उसी वक्त दरोगा ने सरकारी जीप से उसे कुचल दिया। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसकी मौत हो गई। गुस्साए लोग थाने पर प्रदर्शन करने पहुंचे तो उन्हें पुलिस की लाठियां मिली। पुलिस अब जांच की बात कह रही है। बड़ी खबर, यूपी के हमीरपुर में एक दरोगा ने 8 साल के बच्चे को अपनी सरकारी जीप से कुचल दिया, जिसके बाद अस्पताल में उस बच्चे की मौत हो गई। रात क्षेत्र में एक पुलिस के वाहन से एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, जो घायल हो गया था, जिसको रेफर किया गया झांसी, जहां उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना को लेकर के जनता ने वहां आक्रोश व्यक्त किया था, उसको पुलिस द्वारा स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया। इस समय स्थिति सामान्य है, अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और इसकी विवेचना चल रही है।